हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द ग्लेज ब्यूटी। कैसे हैं आप सब? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ अपना हेयर कट जो मैं खुद कट करने वाली हूँ। तो हेयर कट कोई फैंसी सा नहीं होगा, हेयर कट स्ट्रेट हेयर कट होगा। बिल्कुल स्ट्रेट काटूंगी बिकॉज मुझे नहीं पता, आज तक मैंने कभी हेयर कट नहीं करा है, खुद का कभी नहीं करा, किसी और तक का कभी नहीं करा, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि बालों कैसे काटते हैं। तो मैंने डिसाइड करा है कि मैं स्ट्रेट हेयर ही कट करूँगी, ताकि आगे अगर मुझे मेरा हेयर कट ख़राब भी हुआ तो मैं वो ठीक करा सकती हूँ कहीं से। तो गाइस, मैंने YouTube में भी चेक करे थे, लोगों ने बहुत से ट्यूटोरियल डाले हुए थे हेयर कट को लेकर, स्ट्रेट हेयर कट को लेकर। तो हर किसी का अलग अलग टेक्निक था, हर किसी का अलग अलग प्रोसीजर था। फिर मैंने ये डिसाइड करा कि मैं हर एक की वीडियो में से थोड़ी थोड़ी टेक्निक्स लेती हूँ, उसको कैच करती हूँ और एक पूरा प्रोसीजर बनाती हूँ कि कैसे अपने बालों को स्ट्रेटली कट किया जा सकता है। तो मैंने वो प्रोसीजर बना लिया है। हो सकता है ये प्रोसीजर गलत भी हो, रॉन्ग हो या राइट हो, आई डोंट नो अबाउट इट। तो देखते हैं कि ये प्रोसीजर मेरे स्ट्रेट में काम आता है कि नहीं आता है। तो हेयर कट मैं इसीलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखे हैं। ये देखो, लोगों के 2 मुहे बाल होते हैं लेकिन मेरे 14 मुहे बाल हैं, और मेरे यहाँ तक तो ख़राब हो ही चुके हैं एटलीस्ट, मतलब हाँ इतने मेरे बाल ख़राब हैं। लेकिन मैं इतने बाल नहीं कट करा रही हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता कि ये हेयर कट कैसा होने वाला है, अच्छा होने वाला है, बुरा होने वाला है, मुझे नहीं अंदाज़ा। तो इसलिए मैं थोड़े से ही बाल कट करूँगी, इतने तो एटलीस्ट मैं कट कर ही दूँगी, इतने या फिर मे भी इतने कट कर दूँ मैं। देखते हैं कितने कट करते हैं, वो तो कट करने पर ही पता चलेगा। तो ये चीज़ें हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं अपने बालों को यहाँ वेट कर रही हूँ। वेट करने के बाद मैं अच्छे से कॉम कर लूँगी, कॉम करने के बाद इसको डिवाइड करूँगी 2 सेक्शंस में। उसके बाद मैं कर लूँगी पॉनी टेल एकदम नीचे को, और उसके बाद सिक्योर कर लूँगी रबर बैंड के साथ। उसके बाद मैं दोबारा एक पिंक कलर की यूज़ कर रही हूँ और एक ऑरेंज कलर की यूज़ कर रही हूँ। फिर उसको पीछे से नीचे नीचे करके लेकर आऊँगी, जहाँ तक मुझे अपने बाल काटने हैं मैं वहाँ तक इसको नीचे लेकर आ रही हूँ। धीरे धीरे एकदम आपने नीचे लेकर आना है इसको। उसके बाद आप देख सकते हो मैं कैसे धीरे धीरे नीचे ला रही हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ तक मार्क बना लिया तक मैं यहाँ तक कट करूँगी, लेकिन बाद में मुझे फील हुआ कि कहीं ज़्यादा ना कट जाए, इसलिए मैंने उस मार्क को थोड़ा और नीचे करके काटना शुरू कर दिया। तो अब मैं यहाँ पे काटना शुरू कर चुकी हूँ। तो थोड़े थोड़े मैंने बाल काट दिए हैं, अब यहाँ पे पूरे कट गए हैं। आप मेरे बाल देख सकते हैं कैसे लग रहे हैं। तो थोड़ा सा कट कर दिया मैंने सीजर के साथ। उसके बाद मैं यहाँ पर ले रही हूँ ट्रिमर। ट्रिमर से अच्छे से मैं इसको कर लूँगी, मतलब इसको अच्छे से ट्रिम कर लूँगी। उसके बाद मैंने दोबारा मार्क बनाया है बिकॉज मेरे को थोड़े और छोटे बाल चाहिए थे, तो मैंने दोबारा कट करना शुरू कर दिया उस कैंची से, सीजर की हेल्प से। उसके बाद मैं इसको अच्छे से मतलब ट्रिम कर रही हूँ ट्रिमर के साथ। उसके बाद मेरे बाल कुछ ऐसे लग रहे थे। उसके बाद मैंने अपने बालों को 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दिया वन साइड में। उसके बाद इनको डिवाइड करने के बाद मैं सीजर की हेल्प से इसको अच्छे से ट्रिम करूँगी, ताकि जितने भी मेरे को लग रहे हैं ना कि थोड़े ऊपर नीचे हैं, वो अच्छे से प्रॉपरली कट हो जाए और वो स्ट्रेटली कट हो। तो उसके बाद मैंने ऐसे करा है। उसके बाद मैंने दोबारा इनको ओपन करके ऐसे करा कि ये बाल थोड़े अच्छे से हो जाएँ। उसके बाद मैंने ये प्रोसीजर स्टार्ट करती गई, ट्रिम करती गई, ज़्यादा देर तक आपने ट्रिम करना है। फिर सेम मेथड मैं यहाँ पर भी यूज़ कर रही हूँ, वही सेम प्रोसीजर मैंने यहाँ पर भी यूज़ करा है। और फिर यहाँ पर भी मैं इसको अच्छे से ट्रिम कर रही हूँ सीजर की हेल्प से। फिर मैंने यहाँ पर भी इसको ये करा। अब मेरे यहाँ पर जो बाल हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। अब आगे देखें कैसे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना हेयर कट कर लिया है। मुझे मेरा हेयर कट बहुत ज़्यादा पसंद आया, अच्छा लगा। उम्मीद नहीं थी कि पूरे स्ट्रेट हो जाएंगे, लेकिन हो गए। कुछ स्टेप ऐसे भी थे जो मैंने अपने प्रोसीजर में ऐड करके रखे थे, लेकिन मैंने वो यूज़ भी नहीं करे। उसके बिना ही मेरे बाल पूरे एकदम स्ट्रेट कट हो चुके हैं। आई थिंक ये इसलिए हुआ है बिकॉज मैंने पूरे अपने वेट हेयर में किया है। तो जब भी आप अपना हेयर कट करें, मेक श्योर कि आपके बाल जो हैं वो पूरे गीले हों अच्छे से, मतलब ये नहीं कि पानी निचोड़ रहा हो, अच्छे से वो गीले हों, फिर आप अपना हेयर कट उसमें करें। तो बहुत अमेजिंग, अच्छा, मज़ेदार हेयर कट होने वाला है आपका। तो जैसे मेरा हुआ है, मेरे को उम्मीद नहीं थी, एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतना अच्छा हेयर कट होगा, लेकिन अच्छा हेयर कट हो गया है। तो आप भी ट्राई करें इस हेयर कट को, और आपको कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।